वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं सब उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के व फ़जल से सब खैर व आफ़ी के साथ होंगे आज फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में आने वाले अहम तरीन सवाल आपको बताने जा रही हैं और सवालत को बताने से पहले मैं एक राज की बात आपको बताता चलूँ जो कि राज की बात सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पास होना चाहते हैं जो यकीनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उनके लिए एक राज की बात बताने जा रहा हूँ इसको आप लाजमी नोट कर लें कि कुछ तलबा के जहन में ये डाल दिया जाता है कि आप सिर्फ़ चंद एक सवाल या पंद्रह से बीस सवाल याद कर लें और आप पंद्रह से बीस सवाल याद करने से पास हो जाएंगे तो नोट कर लें कि अगर आपको कोई कहे तो समझ लें कि आपको धोखा दिया जा रहा है क्योंकि सिर्फ पंद्रह से बीस सवाल या चंद सवाल याद करने से कभी भी स्टूडेंट पास नहीं होता और जो स्टूडेंट्स फ़ेल होते हैं उसकी बुनियादी वजह ही यही होती है कि उन्होंने किसी के कहने पे या किसी वीडियो में बताने पे या किसी दोस्त के कहने पे चंद एक सवाल याद कर लेते हैं और ये उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि हम पास हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पिछले आठस और दस सालों में सौ फ़ीसद में से पास होने वाले स्टूडेंट्स की जो शरह है वो सिर्फ़ और सिर्फ, सिर्फ पंद्रह फ़ीसद है यानी कि हर सौ में से पंद्रह फ़ीसद स्टूडेंट पास होते हैं हर हज़ार स्टूडेंट में से सिर्फ डेढ़ सौ स्टूडेंट पास होता है हर दो हज़ार में से सिर्फ़ तीन सौ स्टूडेंट पास होता है और फ़ेल होने वाली तलबा की तादाद सौ में से अस्सी से पचासी फ़ीसद है और उनमें फ़ेल होने की वजूहत सिर्फ़ और सिर्फ़ बुनियादी तौर पर यही हैं कि स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि पंद्रह से बीस सवाल याद कर लेंगे और हम पास हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता और जब पेपर हाथों में आता है तो फिर पसीने छूट रहे होते हैं और फ़ेल होने पर सवाए पछतावे के और निदामद के कुछ हाथ नहीं आता और इसके साथ साथ इसी ख़ुश फहमी में मुबला होने की वजह से तलबा तो अपने कीमती साल भी ज़ाया कर बैठते हैं इसलिए बहुत से तलबा इसी शार्टकट की वजह से साल कीमती साल ज़ाया कर बैठते हैं इसलिए इस निदामत से बचने के लिए और यकीनी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको कम अज़ कम चालीस से पचास सवाल याद करने होंगे जो कि यहाँ पर वीडियो में बयान किए जा रहे हैं ये भी जहन में रखें कि जो इस वीडियो में बयान किए जा रहे हैं सवालात ये सारे के सारे फार्मेसी कौंसिल और एन टी एस के सबका इम्तहान में से कंपाइल किए गए हैं सबका इम्तहान में ये सवाल बार बार आ चुके हैं इसलिए इन में से कोई एक भी सवाल छोड़ना आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा आप देख रहे हैं पाकिस्तान का मेडिकल फील्ड में तालीमी रहनुमाई का सबसे बड़ा चैनल जो क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन जो कि आपको देता है फार्मेसी कौंसिल की हर किस्म की मालूम और अपडेट्स इसलिए बाखबर रहने के लिए और हर किस्म के सवालत से हर किस्म के सवालत को समझने के लिए और अहम तरीन सवाल को जानने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ये जो रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है आपको इसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बार वक्त मिलते रहें अब हम बात करते हैं पेपर बी के टोटल कितने नंबर का होता है पेपर बी पेपर बी ए और पेपर बी दोनों 120 नंबर के होते हैं पेपर बी में टोटल दो सब्जेक्ट्स शामिल हैं नंबर एक फार्माकॉगोलॉजी नंबर टू फार्मास्यूटिक्स इन शाइया और मरोजी दो किस्म के सवाल होते हैं मरूजी तर्ज के सवाल साठ एम सी क्यूज़ पर मुश्तम होते हैं साठ एम सी क्यूज़ के साठ नंबर होंगे जबकि इन शाया तर्ज सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल दो सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में से छः छः क्वेश्चन आएंगे इसलिए टोटल बारह क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन के पाँच नंबर होंगे तो बारह हज़ार पाँच इज़ इक्ल टू सिक्सटी यानी कि टोटल साठ नंबर का इनशाइया तर्ज का पेपर होगा और साठ नंबर का मरूजी तर्ज का पेपर होगा और टोटल पेपर बी के एक सौ बीस नंबर होंगे अब हम बात करते हैं मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ फार्मास्यूटिक्स क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन फार्मेसी टेक्नीशियन ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल एंड रेस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन लिखनी है और फार्मेसी टेक्नीशियन के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज़ फार्मेसी डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मेसी फार्मेसी क्या है और फार्मेसी के डिफरेंट एग्जाम को बयान करें क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्क्राइब इन डिटेल फार्मेसी रोल इन हॉस्पिटल के किसी भी हॉस्पिटल में फार्मेसी का क्या किरदार है इसको तफसील से बयान करें क्वेश्चन नंबर फोर राइट आ नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में जो फ़र्क है उसको बयान करेंगे और उस पर नोट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन ड्रग एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइंड ड्रग शार्टली एक्सप्लेन द क्लासीफिकेशन ऑफ ड्रग क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स दोनों मिलते जुलते हैं दोनों का एक ही जवाब है क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सप्लेन बफर विद एग्ज़ाम्पल्स एंड एप्लीकेशन यानी कि बफर्स को मिसालों के साथ बयान करें और उसकी एप्लीकेशन भी इस्तेमाल भी बयान करें क्वेश्चन नंबर एट वाट आर बफर्स एंड देयर एप्लीकेशन्स इन फार्मेसी क्वेश्चन नंबर एट में बफर्स की डेफिनेशन पूछी गई है और फार्मेसी में उसके इस्तेमाल के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर नाइन वाट इज़ एडज़ॉर्पन डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्ज़ॉर्पन आल्सो गिव एप्लीकेशन इन फार्मेसी एडज़ॉर्पेशन क्या है इसकी मुख्तलफ़ अकसाम बयान करें और फार्मेसी में इसके क्या इस्तेमाल हैं उसको बयान करें क्वेश्चन नंबर टेन वाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एम्पीरियल सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम ऑफ मईरमेंट्स इसमें मेट्रिक सिस्टम और इम्पीरियल सिस्टम के दरम्यान में जो फ़र्क है वह बयान करेंगे हाउ मनी क्वेश्चन नंबर एलेवन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्पेंसड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन एनी टू ऑफ दैम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन हाउ मैनी स्टेजेस फ्रीजिंग ड्राॅइंग प्रोसेस कैरीड आउट यानी कि स्टरलाइजेशन के लिए फ्रीजिंग ड्राॅइंग प्रोसेस उसकी कितनी स्टेजेज हैं उसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिफाइन फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल वेस्ट what is management general guideline for proper disposal of waste question number 14 what is difference between boiling point and evaporation question number 15 briefly explain the method of execution question number 16 define syrup explain the types of syrup question number 17 define ph write it down the different types of pH indicator and their applications. Question number 18 What is isotonicity? Describe applications of isotonic solution in pharmacy. Question number 19 Briefly explain the hypertonic, hypotonic, and isotonic solutions and methods for the adjustment of tonicity. Question number 19 may टॉनिसिटी सिटी की एडजस्टमेंट का क्या तरीका है वो पूछा गया है और जो तीन एक्साम हैं हाइपोटोनिक हाइपरटॉनिक और आइज़ोटोनिक सॉल्यूशंस इनके बारे में तफसल से बयान करेंगे जबकि क्वेश्चन नंबर एटीन में आइजोटॉनिसी uh, क्या है उसकी तरीफ़ पूछी गई है और आइज़ोटॉनिक सॉल्यूशंस की एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी What is crystallization? Describe various methods of crystallization. Question number 21 Describe various factors affecting crystallization. Question number 22 Define crystallization. Describe the methods of crystallization. Question number 23 What is crystallization? Also describe its importance to the stability and efficiency of drugs. ये चारों सवाल क्वेश्चन नंबर बीस इक्कीस बाईस और तेईस क्रिस्टलाइजेशन में से पूछे गए हैं मुख्तलफ अंदाज से पूछे गए हैं और मुख्तलफ़ उसमें पॉइंट्स को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में जो है इसमें क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बता बयान करेंगे और आ, किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी और एफ़िशंसी की अहमियत को जहन में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर राइट गिव डिटेल ऑफ़ शेल्फ़ लाइफ शेल्फ़ लाइफ के बारे में बयान करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओरली गिवन ड्रग्स ओरली गिवन ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है उसके लिए जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उस अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को बयान करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स राइट ब्रीफ नोट ऑन ग्रेन्यूल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन राइट डाउन डिफरेंट हॉस्पिटल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम कि डिस्टिलेशन की कितनी इकसाम हैं और उनमें से किसी दो को बयान करेंगे यानी कि पहले डिस्टिलेशन की एकसाम के सारे एकसाम के नाम लिखेंगे और फिर उनमें से दो को एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वाट इज डिस्टिलेशन इट्स वेरियस टाइप्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्टिलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी क्वेश्चन नंबर थर्टी डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ एनी मुस्लिम साइंटिस्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन राइट डाउन द नेम ऑफ सम ऑफिशियल बुक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी टू डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द ऑफिशियल बुक्स इन फार्मेसी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन और थर्टी टू दोनों आपस में मिलते जुलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वट इज कैपूल डेस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स एडवाटेजिजस एंड डिसएडवाटेजि क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वट इज एमलशन हाउ डे यू आइडेंटिफाई द एमलशन टाइप क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वट इज़ इनकम्पेटिबिलिटी अदम तवीज़ या इनकम्पेटिबिलटी क्या है डेस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी विद एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डेस्क्राइब Chemical incompatibility. Question number 37 Define unit dose method for dispensing. Question number 38 Write different types of tablets. Explain advantages and disadvantages of tablet dosage form. Question number 39 Define dosage form. Describe in detail the classification of dosage form according to the route of administration. Question number 40 डिफाइंड डोजेज फार्म ब्रीफली डिस्क्राइब द फाइव टाइप्स ऑफ डोजिज फार्म ये क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन और फोर्टी ये तीनों डोजेज फार्म के बारे में हैं और उसमें डोजेज फार्म के बारे में मुख्तल्फ पॉइंट्स को मुख्तलिफ तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन एक्सप्लें टिंग चर एंड देर एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू डिस्क्राइब स्टैंडर्ड टोटल पेरेंटरल न्यूट्रीशन टी पी एन फार्मूलेशन फॉर एडल्ट एंड पेडियोटिक पेशेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री वाट आर द आउटकम्स ऑफ रॉन्ग लेबल ऑन मेडिसन मेडिसन पर अगर रॉन्ग लेबल हो तो उसके क्या नुकसान हैं वो बयान करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल सी डी सी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल Question number forty-five. What is hospital formulary? Describe the content, advantages, disadvantages of hospital formulary. Question number forty-six. What is community pharmacy and scope of community pharmacy? Question number forty-seven. Write a note on the following terms. Number one, viscosity. Ispe, ye jo forty-seven hai. question number forty-seven. Isme jo किसी दो पे नोट आ जाएगा अभी किसी दो पे नोट लिखें यहाँ पे काफ़ी सारे बयान किए गए हैं टोटल ट्वेंटी एट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपने नोट लिखना है इन ट्वेंटी एट में से किसी दो पे नोट आ सकता है कि किसी दो पे नोट लिखें नंबर एक विस्कोसिटी नंबर टू डेंसिटी नंबर थ्री आयोनाइजेशन नंबर फोर वेपोराइजेशन नंबर फाइव एलेग्जर्स Number six desiccation, number seven emulsion, number eight fusion, number nine cream, number ten syrup, number eleven powders, number twelve suspension, number thirteen suppository, number fourteen levigation, number fifteen lyophilization, number sixteen allutriation. number seventeen pharmacist, number eighteen Catenation number nineteen, retail pharmacy number twenty, forensic pharmacy number twenty one, hospital pharmacy number twenty two, clinical pharmacy number twenty three, aerosols number twenty four, surface tension number twenty five, simple distillation number twenty six. parts of prescription number ट्वेंटी सेवन फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी नंबर ट्वेंटी एट डस्क्राइब वेरियस कम्पोनेट्स ऑफ आयरोसोल ऑइमेंट्स तो ये टोटल फोर्टीन सेवन अहम तरीन सवाल थे जो कि इस वीडियो में बयान कर दिए गए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके और हमें पता चले कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं ताकि आप लोगों की सहूलत के लिए और आसानी के लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाई जाएं। अगर हो सके तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें सब्सक्राइब करने से आपको हर किस्म के नोटिफिकेशन बार वक्त मिल सकेंगे अल्लाह ताला आपका और नासिर हो और अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे आमीन सुम बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़